नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गूगल ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गलत जानकारी देने वाले और भ्रामक विज्ञापनों को गूगल ने अपने मंच से हटा दिए हैं। इन विज्ञापनों में से कुछ ने मतदान के लिए पंजीकरण करने के लिए लोगों से शुल्क लिया गया है, वहीं कुछ ने विपणन संबंधी लक्ष्य पूरा करने के लिए लोगों की निजी जानकारियां हासिल की है। गैर लाभकारी टेक कंपनी टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट ने इन विज्ञापनों की पहचान की, साथ ही गूगल पर मतदान पंजीकरण करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने पर चीनी के विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा कि इस पूरे मसले पर चीनी बहुत चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। गौरतलब है कि कल ही मोदी सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों विनियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार के पास चीनी निवेशकों सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों के बनाए रखने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित किए। हर कोई यह जानना चाहता था कि पीएम मोदी आज क्या बोलेंगे। हालांकि चीन के साथ सीमा विवाद, कोरोना वायरस और रूस के साथ रक्षा सौदे को देखते हुए कई मायनों में पीएम मोदी का संबोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा था। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया था। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि आप लोग आज शाम 4 बजे पीएम मोदी का संबोधन जरूर सुनें। बता दें कि पीएम मोदी के संबोधन से पहले भारत सरकार ने चीन को सबक सिखाते हुए उसके 59 ऐप्स को देश से बैन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए कोरोना संकट के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण अब और तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हमने शुरुआती दौर में जिस तरह से खुद को सुरक्षित रखने के लिए कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया था, उसी तरह से हमें आगे के लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मामले बढ़ जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना संकट के बीच गरीब कल्याण योजना चला रही है। इस योजना का हम विस्तार करने जा रहे हैं। कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में 80 करोड़ लोगों तक सरकार पूरी मदद पहुंचाएगी। सरकार ने तय किया है कि 80 करोड़ गरीब लोगों को जुलाई से नवंबर महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक गरीब परिवारों को 1 किलो चना भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार हो रही हाथियों की मौत का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। पूर्व IFS ऑफिसर डॉक्टर अनूप भल्ला की ओर से मामले में दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस PP साहू की डिवीजन बेंच में हुई। बता दें कि राज्य में 9 जून से लगातार 16 जून के बीच एक के बाद एक 5 हाथियों की मौत हुई थी। पहले सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में एक गर्भवती हथनी समेत 2 हथनी की मौत हुई थी। गर्भवती हथनी की मौत की वजह लीवर में इन्फेक्शन था। वहीं बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अतौरी के जंगल में भी 11 जून को एक हथनी का शव मिला था। उसकी मौत 3 से 4 दिन पहले हुई थी, लेकिन शव बाद में बरामद हुआ था। इसके बाद रायगढ़ जिले के धर्मजय गांव में करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई थी। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास के सामने धमतरी निवासी युवक हरदेव सिन्हा के द्वारा आत्मदाह के प्रयास करने के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में कहा गया कि कलेक्टर धमतरी द्वारा इस संबंध में प्राप्त प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दंडाधिकारी जाँच की जाएगी। जाँच के लिए अनुविभागी विभागीय दंडाधिकारी धमतरी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर धमतरी ने जाँच के लिए 1 माह की समय सीमा निर्धारित की है। बता दें कि दंडाधिकारी द्वारा जांच के लिए कुल 10 से अधिक बिंदुओं को निर्धारित किया गया है।